कोंडागांव जिला से सड़क दुर्घटना की बड़ी खबर है, जहां एम्बुलेंस और बोरवेल गाड़ी में भिड़ंत हुई है। हादसे में एम्बुलेंस पर सवार चार लोगों में से तीन की जान चली गई है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुई है। मामला माकड़ी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार मुक्तांजलि शव वाहन में एक परिवार के सदस्य अपने किसी रिश्तेदार के शव को लेकर जा रहे थे। एम्बुलेंस जगदलपुर से रायपुर की तरफ तेज गति से थी, वहीं विपरीत दिशा से एक बोरवेल ट्रक आ रहा था। इसी बीच जिले के हांडी गांव के नजदीक दोनों वाहनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग पहुंचे, जिन्होंने घायल को बाहर निकाला, फिर मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे जवानों ने घायल को अस्पताल भेज दिया है। साथ ही मौके से कुल 400 बरामद किया गया है। इनमें से तीन लोगों की हादसे में मौत हुई है और एक शव पहले से था, जिसे लेकर के परिजन अपने घर जा रहे थे। पुलिस ने सभी मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों की हालत भी नाजुक बनी हुई है, कभी भी उसकी मौत हो सकती है। फिलहाल अस्पताल में उसका जांच और इलाज किया जा रहा है।